चलिए कुछ अलग तरीके से समझे कि यात्री का बहुवचन शब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको यात्री के बहुवचन शब्द के बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप यात्री के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और वहीं पर अगर हम यात्री के बहुवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यात्री एक एकवचन होता है और यात्री का बहुवचन शब्द यात्रियों होता है। इसके अलावा दोस्तों एक बार आपको जरा फिर से सुनना है कि यात्री एक एकवचन होता है और यात्री का बहुवचन शब्द यात्रियों होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि यात्री किसे कहते हैं। यात्री शब्द किसी व्यक्ति को कहा जाता है जो यात्रा कर रहा है, जैसे कि आप अपने गांव से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यात्री हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यात्री का बहुवचन शब्द क्या होता है ताकि आप यात्री के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि यात्री एक एकवचन होता है और यात्री का बहुवचन शब्द यात्रियों होता है। यानी दोस्तों यात्री का बहुवचन शब्द यात्रियों होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए उदाहरणों का उपयोग करें। जैसे कि यह व्यक्ति एक यात्री है जो दूसरे देश जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। यानी दोस्तों सभी यात्री के लिए बात की जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि यात्रियों एक बहुवचन शब्द होता है। तो इस तरह से दोस्तों यात्री का बहुवचन शब्द यात्रियों होता है और यह आपने आज इस वीडियो के अंदर समझा। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको यात्री के बहुवचन शब्द के बारे में हमने अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।